हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज व्यूअर्स की डिमांड पे, व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे टॉपिक लेके आई हूँ मैं कैस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके दो चैप्टर को कंसीडर करता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने जो चैप्टर में है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरा ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा जाता है, मेल फीमेल का किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कैस्ट्रेशन एक टॉपिक है जिसपे कि आपके 12th के बेसिस पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन या कोई 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है वैसे, लेकिन इसपे MCQ बेस्ड या assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो कैस्ट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज अ कैस्ट्रेशन? कैस्ट्रेशन एक पहले के टाइम से होता हुआ एक प्रोसेस है जिसको हम एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं बोल सकते हैं, बट इसके थ्रू हम हार्मोन्स की प्रेजेंस को और जो सेक्सुअल ड्राइव होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो होता क्या है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, रिमूवल ऑफ बोथ टेस्टिस इन ह्यूमन और एनिमल्स, दैट इज अ कैस्ट्रेशन। तो कैस्ट्रेशन जो है ये बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ आता है प्रोसेस। पहले के टाइम पे भी सोल्जर्स को के में करवा देते थे, एनिमल्स में करवाया जाता है। तो कैस्ट्रेशन जो है ये सर्जिकली भी होता है और केमिकली भी होता है। सर्जिकली अगर होता है तो हम इसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन, या फिर हम बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। तो ये रिमूवल ऑफ बोथ टेस्टिस, जब मेल बॉडी के दोनों टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी या फिर कैस्ट्रेशन। अगर केमिकल्स के थ्रू, पर्टिकुलरली ड्रग्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं कुछ जिनके थ्रू हम टेस्टिस को डीएक्टिवेट करवा सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल कैस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये मेल बॉडी में, मतलब कि ह्यूमंस में कम होता है, पहले के टाइम पे होता था, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके थ्रू अब इस प्रोसेस को कम नहीं कराया जाता है। बहुत रेयर केसेस में किसी में होता है ये, क्योंकि इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन ज्यादा लगती है। ड्यूरेशन से मतलब कि एक मेजर सर्जिकल प्रोसेस हो गया ये, जिसमें कि टेस्टिस को रिमूव करा जाता है और उसके बाद मेल पर्सन को, ह्यूमन को रेस्ट ज्यादा चाहिए, ठीक है, एक मेजर सर्जरी हो गई। लेकिन आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू हम, जैसे कि वैसेक्टॉमी है, वैसेक्टॉमी एक सर्जिकल परमानेंट मेथड होता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज करा जाता है, जिसमें कि हम फर्टिलाइजेशन को होने से रोकते हैं, स्पर्म के जो ट्रांसमिशन होता है उसको रोका जाता है, जेकुलेशन को रोका जाता है। तो अगर इसमें टेस्टिस रिमूव हो रही है तो स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, स्पर्म फॉर्म नहीं हो पा रहा है, स्पर्म जेकुलेशन होगा, ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट में होता है। और इसमें टेस्टिस का मेन काम क्या हो गया, स्पर्म को फॉर्म करना, या फिर और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को फॉर्म करना। तो इसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, क्या नाम है, टेस्टिस तो फॉर्म करती ही करती है, टेस्टिस तो सिक्रेट करती ही है, लेकिन इसमें जो एड्रेनल ग्लैंड है हमारी, वो भी हमारी कुछ अमाउंट में, यानी कि 25% टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करती है, ठीक है। तो अगर हम बॉडी में से टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट कम हो जाएगी, बट बिल्कुल नेगलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है बॉडी में जो 25% टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करेगा, जिससे कि उसमें सेक्सुअल ड्राइव जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं होती है, कुछ अमाउंट कुछ कम हो जाती है। इसके अलावा एनिमल्स में भी होती है, नॉर्मली हम लोग ये मेथड जो है आजकल एनिमल्स में अप्लाई करते हैं हम लोग, तो एनिमल्स में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूटेरिंग। नॉर्मली हम लोग कैस्ट्रेशन ही बोलते हैं, लेकिन इसमें हम क्या टर्म बोलते हैं इसको, न्यूटेरिंग। फीमेल्स में भी अगर ओवरीज को रिमूव करा जाता है बॉडी से सर्जिकली, तो उस टर्म को बोलते हैं ऑफ्रोक्टोमी, ऑफ्रेकोटोमी, ठीक है, ये हम किसमें यूज करते हैं, फीमेल्स में। अब अगर हमने बोला कि सिर्फ टेस्टिस को रिमूव करना है तो कैस्ट्रेशन, या हमने बोला ऑर्कियोडेक्टोमी। अब अगर हम लोग टेस्टिस और पेनिस, दोनों को ही रिमूव कर दें तो ये मैटर कहलाता है इमैस्कुलेशन, ठीक है। पेनिस और टेस्टिस दोनों को रिमूव कर दिया जाता है तो प्रोसेस होता है इमैस्कुलेशन। तो बॉडी के अंदर जो ये
कैस्ट्रेशन मेथड होता है ये सर्जिकली होता है और इसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन के अमाउंट को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन को अनप्लान्ड अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो है रोका जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है, किस लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एज ए यूज क्यों नहीं कर जाता है, ये भी मैं बताती हूँ आपको। तो कैस्ट्रेशन जो है उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं बॉडी पे, उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो कुछ इफेक्ट्स हमने मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले स्टराइज्ड बॉडी हो जाती है, यानी कि बॉडी स्टराइल हो गया, तो स्टराइल का मतलब कि वो फर्टाइल बॉडी नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज हमने यहाँ लिखा है डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस सीक्रेट करता है, जब टेस्टिस बॉडी से रिमूव हो जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, बट पूरी तरीके से स्टॉप नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है जो 25% टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, तो जिसकी वजह से वहां पे टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट बिल्कुल बॉडी में खत्म नहीं होती है। दूसरी चीज सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो रही है, कम क्यों हो रही है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया है, वो उसका प्रोडक्शन कम हो गया है, जिसकी वजह से सेक्सुअल ड्राइव सेक्सुअल एक्साइटमेंट कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म नहीं होता है, बिल्कुल स्टॉप नहीं होगा। लोअर दी फ्रीक्वेंसी स्ट्रेंथ ऑफ इरेक्शन, इरेक्शन जो इजेकुलेशन होता है सीमन का, उसका इजेकुलेशन उसका इरेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बॉडी पे हेयर्स का लॉस हो जाता है, हेयर लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक टाइम है यहाँ पे गायनेकोमेस्टिकल मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल बॉडी, दैट इज द गायनेकोमेस्टिया। तो ये क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन के अमाउंट कम हो रही है बॉडी के अंदर, टेस्टस रिमूव हो गई है, तो उसकी वजह से उसमें कुछ फीमेल के कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिकल। दूसरा एग्रेशन लेवल डिक्रीज होता है, तो ये मोस्टली हम लोग कैटल फार्मिंग में कैटल्स को यूज करते कैटल्स में हम लोग अप्लाई करते हैं उनके एग्रेशन मूड को कम करने के लिए, ताकि वो इजीली हैंडल करे जा सके, उनसे वर्क करवाया जा सके प्रॉपरली। तो उनके अंदर जब हम टेस्टिस रिमूव करा देते हैं, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये मेल बॉडी के अंदर एग्रेशन मूड को हाई लेवल पे करता है, तो उन कैटल्स में एग्रेशन ज्यादा होता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, उनको हैंडल करने के लिए। अगर हम उनका एग्रेशन लेवल डाउन नहीं कर पाते तो क्या होगा, हम उनसे वर्क नहीं करवा पाएंगे, उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए टेस्टिस को रिमूव कराया जाता है, कैस्ट्रेशन कराया जाता है। कैस्ट्रेशन से जब टेस्टिस रिमूव हो गई, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो गया, तो उससे उसका एग्रेशन लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद प्रिवेंट अनप्लान्ड मेटिंग, अनप्लान्ड मेटिंग मतलब कि जब उसमें टेस्टिस नहीं है, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा, स्पर्म इजेकुलेट नहीं हो रहा है, तो वो अनप्लान्ड अनवांटेड मेटिंग से प्रिवेंट हो जाता है, प्रिवेंशन मिल जाती है। ठीक है, दूसरी चीज स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ मेल पैटर्न बार्डनेस, बार्डनेस कम हो जाता है, बार्डनेस का जो पैटर्न है टेस्टिस के रिमूव होने पर, टेस्टोस्टेरोन के रिमूव होने पर, कम होने पर बार्डनेस कम हो जाती है। ठीक है, चांसेस उसके कम हो जाते हैं। वर्टिगो प्रोड्यूस हो जाता है, वर्टिगो प्रोड्यूस मतलब चक्कर आना, टेम्परेचर वगैरह हाई रहता है, कंट्रोल नहीं हो पाता क्योंकि स्प्रॉटम निकल जाता है, तो उससे वर्टिगो मतलब चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, बोन और मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से ये जो है प्रोसेस मेल बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत कम प्रोसेस करवाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनमें जो उनकी स्ट्रेंथ होती है ह्यूमन की, वो वीक पड़ जाती है। ठीक है, दूसरा हम लोग ये कैटल फार्मिंग में या एनिमल्स में मेनली करवाते हैं, और उसमें एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इनको करवाया जाता है, ताकि उनसे प्रॉपरली वर्क करवाया जा सके। अब हम इसमें देखते हैं, अब हम एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक पुटअप होता है कि जब इसमें टेस्टिस रिमूव हो गई है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो गया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, अनप्लान्ड प्लानिंग को हम रोक रहे हैं, तो इसको एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज क्यों नहीं करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसको क्यों नहीं यूज करा जाता, क्योंकि एक तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से ये मेथड एक मेजर सर्जिकल मेथड है, जिसमें कि टेस्टिस को रिमूव करने के लिए एक मेजर सर्जरी होती है, टाइम ज्यादा स्पेंड होता है, और उसके बाद ह्यूमन बॉडी को रेस्ट की ज्यादा जरूरत होती है।
ठीक है, एकदम से वो उठ के अपना कंटिन्यूअसली में वर्क नहीं कर सकता। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा यहाँ पे रीजन ये होता है कि उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है टेस्टोस के रिमूव होने पे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बॉडी को जो है वो क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है। तो उस जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो क्या हो रहा है, उसमें स्ट्रेंथ कम हो रही है, वीकनेस आ रही है, जिसकी वजह से इस मेथड को हम लोग एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लेते हैं कि अब इस कैस्ट्रेशन जो है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं हो रहा है, और इसके अलावा जो हम एज ए सर्जिकल मेथड यूज करते हैं वो वैसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी यूज करा जाता है। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होती है, फैलोपियन ट्यूब को कट करा जाता है, और वैसेक्टॉमी मेल में होती है, छोटा सा इंसिजन होता है जिसमें वासा डिफरेंस को कट करके उसको टाइप कर देते हैं और स्पर्म की इजेकुलेशन को रोकते हैं, ठीक है, जिस जो एक परमानेंट मेथड है। लेकिन कैस्ट्रेशन से एक अलग मेथड हो गया, स्मॉल सर्जिकल मेथड हो गया, जिसमें कि 24 आवर्स का रेस्ट दिया जाता है मेल को, और उसके बाद जो मेल बॉडी है वो अपना नॉर्मल वर्क प्रॉपरली कर सकती है। लेकिन कैस्ट्रेशन में क्या होता है, उसको रेस्ट ज्यादा चाहिए और एकदम से उठ के वो प्रॉपरली अपना नॉर्मल वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, वाइज कैस्ट्रेशन नॉट यूज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो होता है बॉडी पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है, ग्रोथ रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसको अवॉइड करा जाता है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। और बाकी कैस्ट्रेशन को हम लोग वैसेक्टॉमी से या एज ए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसमें तो बैड इफेक्ट आ रहा है, ग्रोथ रेट पे कम हो जाती है, हेल्थ पे इफेक्ट सही नहीं आता। दूसरा इसमें क्या होता है, वैसेक्टॉमी एक स्मॉल सर्जिकल मेथड है, और भी जो कैस्ट्रेशन है एक मेजर सर्जिकल मेथड होता है। इसमें सिर्फ वैसेक्टॉमी में सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं, इसमें टाइम ज्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, और इसमें ह्यूमन को रेस्ट करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बट वैसेक्टॉमी में 24 आवर्स के बाद जो ह्यूमन है वो नॉर्मल हो जाता है और अपना नॉर्मल वर्क कर सकता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, अब इसको हम लोग क्यों यूज नहीं कर रहे एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक तो रीजन यही हो गया। दूसरा, इसमें हम लोग टेस्टस को रिमूव कराते हैं कैस्ट्रेशन में, सर्जिकली कराते हैं, आजकल केमिकली भी हो रहा है ये प्रोसेस, केमिकली भी करा सकते हैं। बट वैसेक्टॉमी में हम सिर्फ वासा डिफरेंस को कट करते हैं, उसको टाई अप कर देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है टेस्टस उसका आगे इजेकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे कैस्ट्रेशन के थ्रू टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि टेस्टस रिमूव हो गई है तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ पे टेस्टस रिमूव नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन अपना नॉर्मल प्रेजेंट रहेगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा इसके अंदर। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हम इसमें से गॉनेट्स निकाल रहे हैं, टेस्टस निकाल रहे हैं बॉडी में से, दोबारा से हम टेस्टस को बॉडी के अंदर नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन हम वासा डिफरेंस को दोबारा से ज्वाइंट करवा सकते हैं, तो इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये सेक्स ड्राइव को डिक्रीज कर देता है, सेक्सुअल ड्राइव को डिक्रीज कर रहा है, बट इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल ड्राइव कम नहीं होता है, ठीक है, अपना नॉर्मल रेट रहती है इसके अंदर। ये जनरली एनिमल्स में करवाया जाता है, और ये मेथड जो है एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में करवा सकते हैं। पहले के टाइम पे ये होता था ह्यूमंस में, बट अब नॉर्मली आजकल ये मेथड यूज नहीं करा जाता है। जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ये प्रोसेस आ गए हैं इस तरीके के, तो इस प्रोसेस को अब स्किप कर दिया गया है, अब इसको जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इन्हीं इनमें डिसएडवांटेजेस की वजह से हम इसको एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करते हैं। तो ये एक वैसेक्टॉमी और कैस्ट्रेशन में डिफरेंस हो गया। इसके अलावा कैस्ट्रेशन पे सिर्फ जो है एज ए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस ही पुट अप होते हैं इन 12th। नीट में हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे। बाकी कोई भी और डाउट है आपको, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक है चैप्टर के, वो आगे वीडियो में अपलोड करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।